लेक्चर 11 है आपका। आज हम मेन इवेंट्स देखेंगे, चैप्टर 33 टू 37, और फिर उनके कुछ सिग्निफिकेंस और मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। आज की गुड न्यूज़ आपके लिए है कि आज की कोई असाइनमेंट नहीं है, वही जो पहले आप असाइनमेंट कर रहे हैं वही आज का नया टॉपिक आपको लिखने के लिए नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए 33 टू 37 चैप्टर हैं जो आपने स्टडी करने हैं। नेक्स्ट सिर्फ रीडिंग टास्क है आपका। तो 33 में क्या होता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जैसे हेनरी ट्रेन पर किसी तरीके से सवार हो जाता है, वो जो वेपन लेके जा रही होती है, वापस लेके आ रही है कुछ सामान को। सो हेनरी गेट्स ऑफ द ट्रेन व्हेन इट एंटर्स मिलान, जैसे वो मिलान में जाती है तो वो वहाँ से चुपके से वहाँ से ट्रेन से निकल जाता है। ही गोज टू ए वाइन शॉप एंड हैज ए कप ऑफ कॉफी। द प्रोप्राइटर ऑफर्स टू हेल्प हिम बट हेनरी अश्योर्स द मैन दैट ही इज नॉट इन ट्रबल। तो वो बार टेंडर जो इसे काफ़ी पूछता है कि तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे बताता है कि नहीं, मुझे किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए। आफ्टर द शेयर अ ग्लास ऑफ वाइन हेनरी गोज टू द हॉस्पिटल वेयर ही लर्न्स फ्रॉम द पोर्टर दैट कैथरीन हैज़ लेफ्ट फॉर स्पेसा। तो वहाँ पे आके उसे पता चलता है पोर्टर से कि कैथरीन जो है वो स्ट्रेसा की तरफ मूव करके जा चुकी है और अब यहाँ पे नहीं है सर्टन हॉस्पिटल में, जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ आते ही उसकी हेनरी से मुलाकात हो जाएगी। ही गोज टू द विजिट राल्फ सिमंस वन ऑफ द ओपरा सिंगर्स दैट ही एनकाउंटर्स अर्लियर। आपको याद हो एक चैप्टर में राल्फ से मिला था, वो ओपरा सिंगर था मिलान के अंदर। ही एनकाउंटर्स अर्लियर आस्क अबाउट द प्रोसीजर्स फॉर ट्रेवलिंग स्विट्जरलैंड, और फिर वहाँ से आके उससे मालूमात लेते हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ से स्विट्जरलैंड यानी स्ट्रेसा मूव करना है जो स्विट्जरलैंड में है। सिमंस ऑफरिंग वट एवर हेल्प ही कैन गिव्स हेनरी सूट ऑफ सिविलियन क्लोथ्स एंड सेंड्स हिम ऑफ टू स्ट्रेसा विद बेस्ट विशेस। वो इसे अपने कपड़े भी देता है और उसकी पूरी मदद करता है ताकि वो यहाँ से जा सके। चैप्टर 34। हेनरी टेक्स द ट्रेन टू स्ट्रेसा। He feels odd in his new clothes, noticing the scornful looks that he receives a young civilian. Still, he claims that such looks do not bother him, for he has made a separate peace with the war. अब उसके लिए किसी look की कोई meaning नहीं है, because he has made a separate peace. कि उसने एक अपने अंदर एक खास किस्म का एक peace generate कर लिया अपने अंदर, जो है वो war के बारे में अपने नजरियात जो है वो change कर लिए उसने। The train arrives in Stresa and Henry heads for the hotel called the Isles Boromees. तो वो Boromees होटल में जाके कमरा बुक करता है और उनको बताता है कि I am expecting my wife. He takes a nice room and tells the concierge that he is expecting his wife. In the bar, the bartender reports that he has seen two English nurses staying at a small hotel near the train station. Henry eats but does not answer Emilio's question about the war, which he reflects is over for him. अब वो किसी किस्म के वार क्या हो रहा है फ्रंट के ऊपर, क्या हालात चल रहे हैं, लोग पूछते हैं उसे, लेकिन वो बता नहीं जवाब देना चाहता क्योंकि अब उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहा वार के अंदर। कैथरीन एंड द हेलन फर्गसन आर हैविंग सपर व्हेन हेनरी अराइव्स एट द होटल। जैसे वहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात होती है कैथरीन से और हेलन फर्गसन Ferguson, जो कि एक और नर्स है। While Catherine is overjoyed, Helen becomes angry and berates Henry for making such a mess of her friend's life. और वो इसके लिए अच्छे ख्याल नहीं रखती, उसकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट थिंकिंग है हेलन फर्गसन की। Neither Henry nor Catherine yields to Helen's return, stern moralizing, and soon Helen begins to cry. Henry describes the night spent with Catherine. He has returned to a state of bliss through his thoughts are darkened by the knowledge that the world breaks everyone and that good people die impartially. In the morning, Henry refuses the newspaper and the Catherine asks if his experience was so bad that he cannot bear to read about it. अब तो वो अखबार भी नहीं पढ़ना चाहता, कुछ वार के बारे में मालूम नहीं लेना चाहता। जहनी तौर पर आल्दो से टेंशन है एक, लेकिन ही प्रोमिसेस टू टेल हर अबाउट इट समडे इफ ही एवर गेट्स इट स्ट्रेट इन हिज हेड।
और वो इसे जब बार बार पूछती है तो वो बताता है कि मैं एक दिन, एक टाइम आएगा, मैं वादा करता हूँ कि आप बताऊंगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। ही एडमिट्स टू फीलिंग लाइक ए क्रिमिनल फॉर अबैंडनिंग द आर्मी, और वो मानता है कि बिल्कुल उसके अंदर एक फीलिंग है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, एक क्रिमिनल लाइक फील करता है, क्योंकि आर्मी को वाल तो उसने छोड़ा तो नहीं, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे छोड़ना पड़ा, आर्मी को भागना पड़ा वहाँ से। बट कैथरीन जोकिंगली अश्योर्स हिम दैट ही इज नो क्रिमिनल आफ्टर ऑल शी सेज इट वाज ओनली द इटालियन आर्मी। They agree that taking off for Switzerland would be lovely and return to bed. Later that morning, Catherine goes to see Helen and Henry goes fishing with Emilio. Emilio offers to lend Henry his boat at any time. Henry and the Catherine eat lunch with Helen Ferguson. Count Griffey, a 94-year-old nobleman whom Henry befriends on an earlier trip to Stresa, is also at the hotel with his niece. That evening, Henry played billiards with the Count. They talk about how the Count mistakenly thought religious devotion would come with age and about whether Italy will win the war. और वहाँ पे billiard पे वो religion के बारे में और war कैसे ख़त्म होगी, कब एंड होगी, ये क्या होप्स है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ से ये लोग अब स्ट्रेसर से जो है ना वो दोनों मिलके स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 36। लेटर दैट नाइट एमिलियो वेक्स हेनरी टू इन्फॉर्म हिम दैट द मिलिट्री पुलिस प्लान टू अरेस्ट हेनरी इन द मॉर्निंग। तो पता चलता है कि पुलिस जो है वो हेनरी की तलाश में है और सुबह हो सकता है उसे यहाँ अरेस्ट करने पहुंच जाए। ही सजेस्ट दैट हेनरी एंड कैथरीन रोड टू स्विट्जरलैंड, उन्होंने बताया था कि तुम्हें अब यहाँ से जो है ना वो खुद ही एक बोट लेनी होगी जिसे खुद ही चलाना होगा और स्विट्जरलैंड भागना होगा रातों रात। हेनरी वेक्स कैथरीन एंड दे पैक एंड हेड डाउन टू द डॉक, और सीधे वो अपना सामान पैक करते हैं और पहुंच जाते हैं किनारे के ऊपर। एमिलियो स्टॉक्स देम अप विद ब्रैंडी एंड सैंडविचेस एंड लेट्स देम टेक द बोट। He takes 50 lira for the provisions and tells Henry to send him 500 francs for the boat after he is established in Switzerland. Chapter 37. Because of a storm, the waters are choppy and rough. Henry rows all night until his hands are dull with pain. और सारी रात उसे कश्ती चलानी पड़ती है। सफर काफी लेंथी है, लेकिन पीछे पुलिस मिलिट्री पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती थी, जिससे उसे जान जा सकती है, बगावत का मुकदमा दर्ज हो सकता है, आर्मी को छोड़ने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। सो कैथरीन टेक्स अ शॉर्ट टर्न रोइंग, देन हेनरी रिज्यूम्स। आवर्स लेटर, हैविंग स्टेड सेफली आउट ऑफ द साइट ऑफ द कस्टम्स गार्ड, द कपल लैंड्स इन स्विट्जरलैंड। करते ना करते स्विट्जरलैंड किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। They eat breakfast and as expected the Swiss guards arrest them and take them to the Locarno, where they receives provisional visas to remain in Switzerland. Swiss guard उन्हें अरेस्ट तो कर लेते हैं, गैर कानूनी तौर पर वो एंटर होते हैं, लेकिन फिर उन्हें बिलाखिर वहाँ पे एक प्रोविजनल वीजाज मिल जाते हैं, वो स्विट्जरलैंड में रह सकते हैं। द गार्ड्स आर्गू कॉमिकली ओवर वेयर द कपल विल फाइंड द बेस्ट विंटर स्पोर्ट्स। रिलीव्ड बट टायर्ड, कैथरीन एंड हेनरी गो टू द होटल एंड इमीजिएटली फॉल एस्लीप। बहुत बहुत थक चुके हैं और वहाँ पे आराम करते हैं। 33 से 37 में हम देखते हैं कि कपल जो है वो किस तरह, ये कैथरीन तक पहुंचता है हेनरी, और फिर वहां से किस तरह से बोट सारी रात चलाकर स्विट्जरलैंड बिलाखिर पहुंच जाते हैं और इटली से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो अप टू दिस पॉइंट इन द नोवेल, रिएक्शन टू द वॉर हैव बीन वॉइस्ड प्राइमरली बाय द दोज इन्वॉल्वड इन इट, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, नर्सेज एंड सर्जन्स। अब इस चैप्टर 33 तक या इससे पहले तक हम देखते हैं कि वॉइस जो है ना वो इन लोगों के सामने आती है, हमें जो वार में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वार के बारे में बात करते नजर आते हैं ऑफिसर्स, सोल्जर्स, नर्सेस और सर्जन्स, जो लोग वार में फ्रंट पे लड़ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। ये पहली बार है कि हमें सिविलियन वॉइस मिलती है, यानी 33 चैप्टर से आगे हम देखते हैं जैसे हेनरी आर्मी वाली सिचुएशन से बाहर आता है, इन लोगों से सिविलियन से मिलता है। तो सिविलियन की का जो एटीट्यूड है अबाउट वॉर, जो आम लोगों का रवैया है इटली में
आम लोगों का रवैया, और फिर कुछ स्विट्जरलैंड में भी जब एंटर होते हैं तो दूसरे लोग कैसे देखते हैं आर्मी पर्सनल्स को, आर्मी के बारे में उनका क्या नज़रिया है और वार के बारे में ओवरऑल वो क्या सोचते हैं, हमें ये पता चलता है। व्हेन हेनरी फ्लीज द फ्रंट लाइन हिज ट्रैवल एक्सपोज हिम टू सेवरल सिविलियन कैरेक्टर्स हुज रिस्पेक्टिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द वार एको दोज ऑफ द मिलिट्री पर्सनल। नीदर सिमंस एमिलियो नॉर काउंट ग्रिफी सपोर्ट द वार। अब जो नॉन मिलिट्री जो लोग हैं, जो सिविलियन लोग हैं, उनसे उनके वार के बारे में हमें तबसरे मिलते हैं, उनके नज़रियात, उनके रिएक्शन मिलते हैं, जिनमें सिमंस का नाम आता है, जिनसे मिलता है, एमिलियो को मिलता है और काउंट ग्रिफी को। इनमें से कोई भी वार को सपोर्ट नहीं करता। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पक चुके थे, थक चुके थे मिलिट्री के लोग जंग लड़ लड़ के, और बल्कि जो है आम लोगों का रवैया भी नेगेटिव है। विद सिमंस एंड द एमिलियो गोइंग सो फार एज टू हेल्प हेनरी एस्केप फ्रॉम द ड्यूटी। और इवन इन लोगों ने तो हेनरी की मदद भी की कि वो किसी तरीके वार से निकल जाए। एक आर्मी के बंदे की मदद कर रहे हैं, बजाय उसे बुरा भला कहने थे, या अगर उनके वार के बारे में बहुत ज़्यादा डिवोशनल होते तो कभी मदद ना करते। दिस रादर वन साइडेड प्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक्स परसेप्शन ऑफ द वार एडवांसेस द नॉवेल्स फंडामेंटल आर्गूमेंट दैट द वार ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर सेंसलेस लॉस एंड डिस्ट्रक्शन देन ग्लोरी एंड ऑनर। और हमें क्या पता चलता है कि वार जो है ये एक सेंसलेस किस्म की चीज़ है, और वैसे भी सेंसलेस और इरेशनल है, और सेंसलेस लॉस और इरेशनल लॉस लेके आती है, डिस्ट्रक्शन लेके आती है, तबाही बर्बादी है वार का नाम। इसमें कोई ग्लोरी और ऑनर नहीं है। इवन सिविलियन कोई भी हमें डिवोशनल करेक्टर नहीं मिलता ऐसा जो वार को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा हो। एज इफ टू अंडरलाइन दिस पॉइंट, Hemingway skewers a more optimistic contemporary of his during Henry's conversation with Count Grafy. Asked by the Henry about literature written in the wartime, the Count names Henry Barbus. और वो Count से जब discuss करते हैं war literature के बारे में, जब तक और जो literature लिखा जा रहा है, तो Count जो है वो mention करता है Henry Barbus को, author of 1916 war novel Le Feu. अंडर फायर जिसका मतलब होता है, उस नॉवलिस्ट के बारे में बात करता है जिन्होंने नॉवल लिखा था अंडर फायर। एंड एच जी वेल्स, इनको तो हमने पढ़ा भी हुआ है, एच जी वेल्स को टाइम मशीन आपने भी शायद पढ़ा होगा, इसका नॉवल जो मैंने पढ़ा हुआ है टाइम मशीन। द इंग्लिश राइटर मोस्ट फेमस फॉर द आइलैंड ऑफ द डॉक्टर मोरियो एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, अदर इसके जो नॉवल है। वेल्स ऑल्सो पेंट मिस्टर ब्रिटलिंग सीज इट थ्रू, विच द काउंट मिस्टेकनली कॉल्स मिस्टर ब्रिटलिंग सी थ्रू इट। काउंट जाहिर है उसको सही तरतीब याद नहीं आ रही थी, तो वो नावल का नाम थोड़ा उल्टा कह देता है, मिस्टर ब्रिटलिंग सी थ्रू इट कहता है इसे। हेमिंग्वे प्रोबेबली इरिटेटेड बाय दिस बुक्स अपबीट टेक ऑन द वार डिफ्लेट्स द ऑप्टिमिज्म ऑफ द वर्ल्ड टाइटल विद हेनरीज रिजॉइंडर नो ही डजंट। हेनरीज कमेंट दैट ही हैज रेड नथिंग एनी गुड मेक्स क्लियर दैट हेमिंग्वे डिसलाइक्स बार्बस एज वेल। और हेनरी के जो नज़रियात हैं बार्बस के बारे में, उनकी नेगेटिव पोर्ट्रेल ऑफ द वार है, जिसमें वार को ग्लोरीफाई करते हैं, और ओवरऑल जो है वो पैसिमिज्म है, उसको ये डिसलाइक करता है। बार्बस आर्ग्यूज अबाउट द वार इन ले फ्यू, बट द नॉवल्स कलेक्टिव एवरी मैन परस्पेक्टिव क्लैशेस विद हेमिंग्वेज रग्ड इंडिविजुअलिज्म। बार्बस लेटर डिवोशन टू द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द स्टालिन डिड नॉट विन हिम मैनी पॉइंट्स विद हेमिंग्वे इधर। तो हमें पता चलता है कि इस ऑथर के बारे में हेमिंग्वे के ख्यालात कुछ बेहतर नहीं है, कुछ अच्छे नहीं है उसके हक में। बियॉन्ड देयर डिस्पुटिशियस नेचर दीज लिटरेरी इनसाइड जोक्स रीइंफोर्सेस द सेंस ऑफ द इम्पेंडिंग डूम। द ऑप्टिमिस्टिक वार नॉवल वाइंड्स अप इन द हैंड्स ऑफ द वाउंडेड सोल्जर्स एंड द ग्रिम रियलिटी ऑफ द वार बैलीज वेल्स ऑप्टिमिस्टिक डिपिक्शन। Once reunited with Catherine, Henry seems content with his decision to abandon the military. Henry सोच रहा है कि मैंने अच्छे किया मिलिट्री छोड़ दी, क्योंकि मैं एटलीस्ट कैथरीन से तो मिल गया हूँ, और अब मेरी जिंदगी पहले से बेहतर और आरामदेह हो सकती है। Several times he assures himself that he is done with the war. और बार बार उसे यकीन दिलाना पड़ता है खुद को भी कि उसने अब खत्म हो गया, उसके वार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बट सेपरेट पीस। Is perhaps more matter of the wishful thinking than an actual state of mind. Contradiction यहाँ पे है, क्योंकि वो ये कहता तो है लेकिन
उसे पीस ऑफ माइंड एक्चुअली है नहीं. हेनरी एडमिट्स दैट हिज थॉट्स आर मडल्ड व्हेन इट कम्स टू द वॉर एंड हिज रोल इन इट. इट टेल्स कैथरीन दैट ही विल वन डे शेयर हिज एक्सपीरियंस इफ ही कैन गेट इट स्ट्रेट इन हिज हेड. उसे जब वो बार बार पूछती है कि आखिर क्या तुम्हें परेशानी है, तो वो उसे बताता है कि मैं एक वन डे आई विल टेल यू, कि जब मैं समझूंगा कि ये बात अभी समझाई जा सकती है. दिस साइकोलॉजिकल टर्मोइल इन द हेनरीज डिक्लेरेशन दैट ही फील्स लाइक ए क्रिमिनल फॉर लीविंग द फ्रंट स्पीक टू कॉन्फ्लिक्ट डीपर देन हेनरी इज विलिंग टू एडमिट. एज कैथरीन एंड हेनरी प्रिपेयर टू जर्नी टू स्विट्जरलैंड देयर इज गैदरिंग सेंस ऑफ डूम. Although Hemingway prizes sharp edges, edged realism too highly to rely on the traditional means of foreshadowing, he manages to forecast the coming tragedy in a number of ways. Helen Ferguson's uncharacteristic outburst in the hotel points so much to an extreme adherence to the social mores and her fear of solitude as it does to an unspeakable sense that the world is a harmful place in which love as true as Catherine and Henry cannot survive. Henry's nighttime meditation, one of the most beautiful written and moving passages in the novel, echoes this sentiment. While his incredibly bleak observation that the world has designed to kill the good, the gentle and the brave seems to come out of nowhere. It anticipates the working of the cruel world that soon breaks what he holds most dear. तो इसके बारे में ये थोड़े से इसका एनालिसिस था जो भी आपने सुना है आज.